महोबा में सड़क परिवहन मंत्री गडकरी गरजे। नितिन गडकरी ने योगी को लेकर किया बड़ा ऐलान, जो भी कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा, यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दूंगा। गडकरी के ऐलान से योगी हुए गदगद, यूपी की खुशी देख योगी भी हुए खुश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर ये कहा जाए कि आप मोदी के मंत्रिमंडल के सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्री का नाम बताएं, तो आप झट से बिना कुछ सोचे समझे नितिन गडकरी का नाम बता देंगे। और यही नहीं, कई सर्वे में नितिन गडकरी को 10 में से 9 नंबर भी उनके काम के लिए मिलते हैं। इससे आप उनके काम का अंदाजा लगा सकते हैं। उसी कड़ी में नितिन गडकरी बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे और वहां पर यूपी की सड़कों को लेकर ऐसा ऐलान किया कि योगी आदित्यनाथ भी गदगद हो उठे। आपको बता दें कि नितिन गडकरी अपने बेबाक अंदाज और काम दोनों के लिए जाने जाते हैं और लगातार वो इसी वजह से चर्चाओं में भी रहते हैं। और उनकी बेबाकी ऐसी ही कि अपनी पार्टी को भी वो कभी कभी नहीं छोड़ते। ऐसे में नितिन गडकरी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो काम को लेकर जुनूनी है और ये कई बार सभी को दिखता भी है। उसी कड़ी में नितिन गडकरी सोमवार को बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे, जहां पर गडकरी ने 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की बुंदेलखंड वासियों को सौगात दी। इन सौगातों में 7 परियोजनाओं का शिलान्यास था, जबकि 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। महोबा के मोदी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में नितिन गडकरी के अलावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 खत्म होने से पहले बुंदेलखंड और यूपी की सड़कें अमेरिका के बराबरी पर पहुंचा दी जाएंगी। कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की सड़कें हम अमेरिका के बराबर करेंगे और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 2023 में 13000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए, हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। अभी तक हमने 60000 करोड़ की लागत से 5000 किलोमीटर का कार्य पूरा किया है और करीब 2,30,000 करोड़ के काम मंजूर किए हैं और कुछ काम प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। मेरा विश्वास है कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में हम 5,00,000 करोड़ रुपए के रोड का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश को अमेरिका के बराबर पहुंचाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आने के पहले बाद में एक रिव्यू करता था कि आज तक उस क्षेत्र के सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से राज्य में क्या क्या बातें मांगी थी और कौन सी बातें पूरी हुई है। तो आज जब योगी जी का ही मैंने निकाला चार्ट तो मुझे बहुत समय लगेगा, पर जो जो बातें उन्होंने मुझे बुझाई थी, आग्रह किया था, लगभग 90% बातें पूरी हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी की बात कही थी, दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ने से दिल्ली में DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर पोर्ट तक 3000 करोड़ की लागत से उन्हीं के कहने पर 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम इस माह में शुरू हो जाएगा, ऐसा वचन मैं उनको देता हूं। गंगा एक्सप्रेसवे, योगी जी ने ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला और वो मुंबई के से पूना तक था। पहली बार देश की जनता को देखने के लिए मिला कि एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है। और उसके बाद और रोड बन रहे, हमारे नागपुर से मुंबई जाने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब योगी जी हम 5 घंटे में जा रहे हैं। पूना जाने के लिए 25 घंटे लगते थे, अब 5.5 घंटे में जाएंगे। तो देश का जब मैं बताता हूँ तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता था।
दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में जा रहे हैं। दिल्ली से जयपुर अभी 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो गया। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में हो गया। दिल्ली से श्रीनगर 18 घंटे लगते थे, 8 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा, पूरे तरह देश में एक पूरी तस्वीर बदल गई। तो सुन लिया आपने यूपी की सड़कें और योगी के लिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, और इसी बात से योगी आदित्यनाथ काफी खुश और गदगद हैं। वहीं मोदी ग्राउंड पर बोलते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी की भी खूब तारीफ की और कहा कि आज 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सड़कें बनाना विकास का मापन होता है, इससे कनेक्टिविटी बेहतर होती है और विकास के काम तेजी से होते हैं। बुंदेलखंड में आज हर घर में पानी का नल है, बुंदेलखंड अब पानी के लिए नहीं तड़पता है। आज बुंदेलखंड बहुत आगे पहुंच चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अब चित्रकूट तक होगा। आज हमारा वादा जो आपसे किया था वो पूरा हो रहा है। आज जंगल कोडिया से उत्तर दिशा से होते हुए 27 किलोमीटर लंबा 2100 करोड़ रुपए की लागत से जगदीशपुर को जोड़ने वाला एक नया बाईपास निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। साथ साथ नेपाल को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, नेपाल को जोड़ने के लिए 4 लेन का बेहतरीन कनेक्टिविटी हो सके, यह न केवल नेपाल आवागमन के लिए बौद्ध टूरिज्म की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य जितने भी कस्बे हैं, बल्लामपुर, उसका बाजार, सोरतगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर और अन्य महाराजगंज का आनंद नगर, इन सभी में बाईपास निर्माण के और तमाम अन्य परियोजनाओं के साथ साथ हजारों वर्षों की वो विरासत जो कभी भगवान राम और माता जानकी के माध्यम से हम सब के साथ जुड़ी हुई है। जब मां जानकी जिस मार्ग से अयोध्या धाम में पहली बार आई थी, आदरणीय गडकरी जी ने राम जानकी मार्ग के नाम पर उसको 4 लेन के बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज उसके कुछ पोर्शन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, देखिए ना कितनी पुरानी विरासत लोग भूल चुके थे, लेकिन आज आदरणीय गडकरी जी के द्वारा अयोध्या से छावनी, छावनी से फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक उस मार्ग को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ करके रामायण काल के साथ वर्तमान के संवाद को, संबंध को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग राम जानकी मार्ग के माध्यम से हो रहा है। मैं इन सभी कार्य के लिए आदरणीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जितने भी इन सभी विकास कार्यों के लिए जितने भी जो भी जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका, आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में से अपना समय निकाल करके, कल ही आप बेंगलोर में थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, आज आप अपना कार्यक्रम में से, संसद के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर
आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये सब बीजेपी 2024 के लिए तैयारियां कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी इन जल्दी और ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास का खेल खेल रही है वो सफल हो पाता है कि नहीं, इसका कितना फायदा उसे आगे मिलता है और कितना नुकसान होता है ये भी देखना होगा। बहरहाल जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने ये ऐलान किया कि अब यूपी की सड़कें अमेरिका की तरह बनेंगी, जिस पर योगी आदित्यनाथ काफी खुश नजर है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।